नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने मंगलवार को देर शाम भारी पुलिस बल के साथ नगर के उन्नाव हरदोई मार्ग पर पैदल गश्त नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराया। उन्होंने नगर के चौराहों और तिराहों जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर संदिग्धों से पूछताछ कर उन्हें देर रात तक सड़क पर चहलकदमी न करने की सख्त चेतावनी दी। पुलिस अधीक्षक श्री भूकर आज शाम नगर स्थित कोतवाली रोड मोड़ पर पहुंचे, जहां सीओ अरविंद चौरसिया और प्रभारी निरीक्षक राजेश पाठक सहित करीब आधा सैकड़ा पुलिस कर्मियों के साथ कोतवाली गेट से लेकर नानामऊ रोड तिराहा व लखनऊ रोड चौराहा तक पैदल मार्च किया। उन्होंने खासकर तिराहों और चौराहों पर भीड़ जगाए खड़े युवकों से पूछताछ की और उन्हें चेतावनी दी कि अनावश्यक सड़क पर न खड़े हों और देर रात तक सड़कों पर न टहलें। गश्त के बाद कोतवाली पहुंचकर उन्होंने प्रभारी निरीक्षक सहित सभी उप निरीक्षकों और आरक्षियों को निर्देश दिया है कि शाम के समय नियमित पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखें, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी नज़र रखें और यदि उनकी क्रियाकलाप और हरकतें संदिग्ध लगें तो उनकी जाँच कर उन्हें हिदायत भी दें। जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।